खमागणी हुकम, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत होती है और आज मॉर्निंग की शुरुआत होती है बहुत ही नॉर्मल मौसम के साथ। और आज बना रहे हैं इडली, क्योंकि अगर मेरा बस चले तो मैं रेगुलर ही इडली बना दूं, क्योंकि मुझे इतनी मेरी फेवरेट है। तो हर एक दो दिन छोड़ के मैं मम्मी को बोल देती हूँ कि आज वापस इडली बना दो, लेकिन इडली बन चुकी थी और इडली इतनी अच्छी और फुली फुली बनी थी कि मेरा मन ही नहीं भरा था। मैं पूरे आज कृष्णा ने मस्ती की सारी हदें पार कर दी। इसने इतनी सारी मस्ती की, पहले अपने नानू साहब से गालों पे बार बार किसी कर रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जैसे मैं उसको लाड करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो वो भी नानू साहब को, मामा साहब को करती हैं ऐसे। और फिर मैडम लगाने लगी झाड़ू, जैसे मैं पकड़ा इसने मेरे से छीन के ले लिया कि मामा मैं निकालूंगी। इससे ले लिया, लेकिन यहाँ पर मैडम हो चुकी है गुस्सा, लेकिन जैसे ही इसको पता चला कि दुकान में कोई आए हुए हैं, तो इसने अपना गुस्सा छोड़ छाड़ के भागी दुकान की तरफ। कृष्णा ने आज सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया। पहले तो नानू साहब को बैठाई कि मेरे पैर में खुजली हो रही है, तो आप बैठ के इसको हाथ से करो, अगर नहीं रुक जाते तो मारती चेहरे पे। और फिर बार 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 भाग रही थी। इसने आज इतने सारे कपड़े गंदे किए कि इसको मुझे बार बार कपड़े चेंज करने पड़े। बहुत सारी भागा दौड़ी इधर उधर भाग के, फिर मैंने इसको स्नान कराया फाइनली वापस, और फिर इसको सुला दिया। तो जब तक ये सो रही थी तब तक घर में लग रहा था बहुत ज़्यादा शांति, और मम्मी भी बोलते हैं जब वो उठती है ना तभी ऐसे लगता है घर में जैसे रौनक सी छाई हुई हो। तो जब ये सो जाती है तो फिर मैं बनाने लग जाती हूँ रील्स, कुछ वीडियो एडिटिंग करने लग जाती, क्योंकि भागी दौड़ मुझे ये कुछ नहीं करने देती है। मैं वीडियो बनाती हूँ तब तक ये उठ जाती है, और मम्मी काफ़ी सालों के बाद में सिलाई लेके बैठे, और ये मैडम उन्हें जाके परेशान करने लगे। पता नहीं इसके मन में क्या आया और उठ के ये बाहर गली में चली गई। और जब हम पीछे गए उसको लाने के लिए, तो ये बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि उसको अंदर नहीं आना है, उसको बस जाना है, पता नहीं जाना कौन सी दिशा में। नानू साहब से बात, और फिर नानू साहब घर पे आए, और नानू साहब लेके आए किन्सा के लिए मैंगो और बनाना, लेकिन यहाँ पर लाइट जा चुकी थी, मैं लाइट को कोस ही रही थी, इतने में लाइट आ गई थी। फिर मैंने की फटाफट खाने की तैयारी, और कृष्णा और इसके मामा साहब खेल रहे थे, फिर मैंने कृष्णा को खिलाया बनाना, और मैंने खाया मैंगो, और फिर कृष्णा अपने नानू साहब के साथ बैठ के हिसाब किताब करने लग गए थे। तो आज का ब्लॉग करते हैं यही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सेव